नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। जिस तरह आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में टक्कर देखने के लिए मिल रही है और जिस तरीके से चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प हो गया है। वहीं आज हमारे साथ टीएमसी नेता हैं अबेदुल्ला शम्स, जो कि बंगाल से जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने व्हील चेयर पे प्रचार प्रसार किया, क्या वो काम आ रहा है आज? जी, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद जनाऊंगा, जो आप सब आपके चैनल को मैं धन्यवाद जनाऊंगा जो आप मुझे इंटरव्यू करने के लिए चुने। और जी हमारी जो बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, जो अपने एक पैर में खड़ी होकर के व्हील चेयर में जो काम की है, दिलों के बसने वाली जो लेडी है उसकी उसके लिए मतलब हर बच्चा बूढ़ा औरतों के दिल में रहने वाली है, इसीलिए काम आ रही है। लेकिन नंदीग्राम पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज रुझान आ रहे हैं ममता बनर्जी पीछे जा रही है, जिस तरीके से सुबह से रुझान आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी आगे चल रहे हैं लेकिन आस्ते आस्ते मार्जिन घट रहा है, अभी लगभग 1500 से 2000 के इसमें है। अभी का नया न्यूज अपडेट मेरे पास 1500 से 2000 के बीच में मार्जिन कम है। आस्ते आस्ते दिन चलेगी वो घट जाएगी, ममता बनर्जी इंशाल्लाह जरूर जीतेगी जीतेगी। लेकिन जी जी बोलिए। ममता बनर्जी इंशाल्लाह जरूर जीतेगी, नंदीग्राम से भी जीतेगी और पूरे बंगाल में फिर दोबारा ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के रूप में आप सभी के सामने आएगी। जी, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार प्रसार कर रही थी वो राजनीति तरीके से कर रही थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही थी व्हील चेयर से वो लोगों के दिल में भी घर कर गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो राजनीतिक बीजेपी वालों लोगों का ये है, जो कोरोना महामारी में जबरदस्ती जो पूरे इंडिया में जो राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों को भावना को नहीं समझ करके इस महामारी में इलेक्शन को जबरदस्ती करवाया, ममता बनर्जी हमारी जो बंगाल की शेरनी, उन्होंने जो बोली जो ये लास्ट चरण के 3 राउंड इलेक्शन एक साथ एक दिन कर दे, लेकिन माना नहीं, ये लोग चाह केंद्रीय बल के जोर पे बंगाल को जीत लेंगे वो सका नहीं। जो बंगाल में ममता बनर्जी का जो इज्जत जो ये है दिलों के घर में रहने के लिए, माने लोगों के दिल में रहने की जो ममता बनर्जी की छाप है, वो जरूर कामयाब होगा और कामयाब होगी, शाम तक देखेगा इंशाल्लाह। फिर हम लोग 225 से ज्यादा सीट में जीत करके ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएगी। जी, लेकिन जिस तरह जो बीजेपी पार्टी है वो 100 के नीचे उसका वोट बैंक बड़ा है, क्योंकि अभी वोट बैंक में जिस तरीके से अभी राउंड बाकी है, आंकड़े बढ़ते बढ़ते और घटते रहेंगे, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जी, मैं दोबारा रिपीट करें, मैं समझ नहीं पाया आपका वोट। बीजेपी है जो उसके चुनावी रुझान आ रहे हैं वो 100 के नीचे से उसका वोट बैंक बड़ा है, लेकिन अभी और राउंड बाकी है चुनावी रुझान आने के, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि आंकड़े तो बढ़ते और घटते रहेंगे? लेकिन हमारे जो इसमें है, हमारे इसमें ये है जो वो बढ़ते रहेंगे, हम लोग के सीट 225 से ज्यादा होंगे। अच्छा, आपका कहना है कि 225 से टीएमसी आगे होगी, लेकिन जी, सर जी, ये जी. भी जिस तरीके से आज टीएमसी अपने दफ्तर पर जश्न मना रही है, हरा रंग जिसे कहा जाता है वो हरे रंग के साथ अपना जश्न मना रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने बैन कर दिया था कि कोई भी अपना विजय जुलूस नहीं निकालेगा ना ही जश्न मनाएगा। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, जश्न जैसी कोरोना महामारी का हम लोग को टीएमसी वाले को, ममता बनर्जी को और बंगाल के लोगों को दर्द है। आज जो महामारी चल रहा है इसके ऊपर में दर्द है, कोई स्पेशल मीटिंग नहीं होगा, हल्का फल्का 2-4 होगा, लेकिन इस तरह से नहीं, माने मिसिल में बैंड है, हमारी मंत्री की तरफ से भी बैंड है, जरूर इस पे बैंड होगा और ज्यादा नहीं होगा। अभी उत्साह शुरू का उत्साह है वो नहीं होगी।
तो क्या लगता है आपको कि क्या ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता अपनी हासिल कर पाएंगी बंगाल में? बंगाल में अभी तो इस बार तीसरी, इंशाल्लाह हम लोग 50 साल तक राज करेंगे टीएमसी बंगाल में। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर ने बताया है कि टीएमसी की जीत होनी है, लेकिन अभी रुझान आने बाकी है, परिणाम आने बाकी है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए, और बंगाल चुनाव पर, बंगाल चुनाव की सियासी पर हमसे बातचीत करने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।